गंगा जमुना सरस्वती तीनों लिए नहाए, मन को जब धोया नहीं मैल कहाँ से जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आज 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। मैं आज आपको कैंसर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और कुछ आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि भारत में कितनी तेजी से कैंसर जो रोग है यह फैल रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कैंसर शब्द अंग्रेजी के शब्द क्रेप से बना है, जिसका अर्थ है बहुत पीड़ादायक करने वाला और बहुत जिद्दी। खून और कुछ अंगों के कैंसर के अलावा सभी प्रकार का कैंसर जो है वो एक अंग से दूसरे अंग में फैल जाता है। कैंसर बढ़ती उम्र के लोगों को ही हो ये कहना सही नहीं होगा, कई बार इसके मामले बच्चों में भी आ जाते हैं। दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 1,00,000 में से 100 लोग कैंसर की शिकायत के लिए आते हैं, जाते हैं, अपना टेस्ट कराते हैं। और दोस्तों आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैंसर कितने प्रकार का होता है, किस किस नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों कैंसर कई प्रकार का हो सकता है, गर्भाशय का कैंसर, स्तन का कैंसर, मुख और गले का कैंसर, पाचन अंगों का कैंसर, प्रजनन और मूत्र अंग का कैंसर, खून का कैंसर। इन नामों से कैंसर को जाना जाता है। यह बहुत बड़ी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है पूरी दुनिया में। हमें इसमें जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, हमको इस जानकारी का अभाव है, इसलिए हम इस ये जो है कैंसर जो है इतनी तेज़ी से भारत में फैल रहा है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश आप जाने कि कैंसर कैसे कैसे होता है और इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और आप की कोई अधिक जानकारी कैंसर के बारे में जानना चाह रहे हैं, मेरे ब्लॉगर पेज पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरी पोस्ट लिखी हुई है कैंसर के बारे में, वहाँ से आप डिटेल में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको यह याद रखना बहुत ज़रूरी है, सभी प्रकार के कैंसर जो हैं वो कोशिकाओं से शुरू होते हैं, जो कि शरीर और जीवन की जो होती है वह बुनियादी इकाई होती है कोशिकाएं। दोस्तों 90-95% जो होता है कैंसर वो वातावरण के कारण होता है। दोस्तों ज़्यादातर कैंसर प्रारंभिक अवस्था में ही पहचाने जा सकते हैं उनके लक्षणों द्वारा, चिकित्सक परीक्षण द्वारा, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, एंडोस्कोपी हो गया आदि, कई प्रकार के जो हैं चिकित्सक परीक्षण द्वारा इन्हें पहचाना जा सकता है। दोस्तों कुछ कैंसर की रोकथाम उससे उत्पन्न होने वाले जोखिम जैसे तंबाकू चबाना, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, मदिरापान, ऐसी कई जो समस्याएं हैं वो उनसे बचने के लिए, कैंसर को ख़त्म करने के लिए इनकी रोकथाम से भी इससे बचा जा सकता है। साथ ही दोस्तों आजकल के हिसाब से देखें, जिस तरह से बच्चों में कैंसर होने की जो घटनाएं हैं वह ज़्यादातर सामने आ रही हैं, तो इसका एक मुख्य कारण है कि जो हमारा जीवन शैली है उसमें हम प्लास्टिक के बर्तनों का यूज करते हैं अपने खाने पीने के लिए। अगर इसमें गर्म खाने का यूज किया जाए तो उससे काफ़ी मात्रा में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों भारत में लगभग 25,00,000 लोग जो है वह कैंसर से पीड़ित है, अनुमानित संख्या है यह। एक प्रतिवर्ष कैंसर के नए 7,00,000 मरीज आते हैं हर साल, जिनमें से 5,56,400 की मृत्यु हो जाती है। तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, हमें इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा थोड़ा बहुत दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप अधिक जानना चाह रहे हैं कैंसर संबंधी जानकारी तो मेरे ब्लॉगर पेज पर जाके वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो आपको कोरोना वायरस के बारे में दूँ, जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में। तो जुड़े रहे देवभूमि उत्तराखंड के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।